Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. उनासीवे संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में भाग लेने के लिए अमेरिका पहुंचे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को सोमवार देर रात न्यूयॉर्क में अपने होटल के बाहर विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। न्यूयॉर्क में आधिकारिक होटल में उनके आगमन से पहले प्रदर्शनकारियों ने मोहम्मद यूनुस के खिलाफ वापस जाओ के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भी यूनुस के खिलाफ नारेबाजी की। भारतीय मीडिया दल ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की तो उन्होंने उनका जवाब देने से भी परहेज किया। प्रसारित वीडियो में यूनुस के सुरक्षाकर्मी पत्रकारों को दूर रखने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए कि यूनुस वापस जाओ, पद छोड़ो। वो हाथों में बैनर थामे हुए थे जिन पर लिखा था कि शेख हसीना हमारी प्रधानमंत्री है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि 84 वर्षीय यूनुस ने असंवैधानिक अवैध रूप से बांग्लादेश की सत्ता हासिल की। उन्होंने गंदी राजनीति के साथ सत्ता पर कब्जा किया और बहुत से लोग बेवजह मारे गए। एक प्रदर्शनकारी शेख जमाल ने कहा कि अभी तक हमारी निर्वाचित प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा नहीं दिया है। हम संयुक्त राष्ट्र से अनुरोध करते हैं कि यूनुस ने यहाँ बांग्लादेशी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं किया है, उन्हें वापस भेजा जाए। एक अन्य प्रदर्शनकारी डीएम रोनाल्ड ने कहा है कि हम शांति चाहते हैं, हमें धर्म निरपेक्ष लोकतंत्र की विश्वास नहीं करते हैं। बलपूर्वक सत्ता हासिल करने के बाद उन्होंने हिंदुओं और ईसाइयों को मारना शुरू कर दिया है। उधर बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू देश के नागरिक हैं और अंतरिम सरकार देश में नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जो भी हिंसा हुई है उसे हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के रूप में दिखाया जा रहा है, ये सही नहीं है।